ये है मिनी रिवर, अगर हिंदी में कहें तो छोटी नदी। और हमारे गढ़वाली में इसे कहते हैं गरेरा। ये नदी जाके मिल जाएगी पिंडर नदी में। ये यहाँ पे साफ साफ नजारा, नीट एंड क्लीन एंड वंडरफुल सीन, बहुत ही आकर्षक मनमोहक नजारा दिख रहा है। अब यहाँ का दृश्य दिखाने वाला हूँ मैं, जो कि अपनी काफी हाइट पर है। हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित, साथ ही साथ कोहरे से भी आच्छादित, बहुत ही सुंदर नजारा, प्यारा नजारा है। ये ऊपर से होते हुए आया हूं मैं नीचे पे। और अपन को अब नीचे निकलना है। अगर हिमालय में देखो आप तो बादलों की छतरी बनी हुई है। एक और नज़ारा अपने गांव का, ऊपर आप देख सकते हो ये गांव है केशपुर। पुर मीन्स शायद नगरी होती है। ये है कौब, कौब का नज़ारा। एक गांव है कौब, बहुत ही रमणीय जगह पर बसा हुआ ये गांव। ये है भगवती गांव का नज़ारा। नज़दीक से देखोगे भगवती गांव का नज़ारा तो ये है। जेसीबी आते हुए रोड की सफाई करने के लिए। अब कर दिया है मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल, क्योंकि ढलान है, थोड़ी तेल की बचत भी करनी चाहिए क्योंकि तेल महंगा है। इससे देश का विकास भी होगा। अगर हम छोटी छोटी बचत हम करेंगे, हमारा भी फायदा और देश का भी फायदा होगा। ज़्यादा सीरियसली ब्रांच रोड है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक होता नहीं है। और मैं फिर वैसे भी देर में घर से निकला हूँ। ये वैसे जो एरिया है यहाँ पे, ये जो जंगली मुर्गे होते हैं बिल्कुल मिलते रहते हैं यहाँ पे। जब भी मैंने फ्लैक्स लगे हैं टॉप से मैं नीचे आया हूँ। ये है मिनी रिवर, अगर हिंदी में कहें तो छोटी नदी। और हमारे गढ़वाली में इसे कहते हैं गरेरा। क्योंकि बरसात का टाइम है तो इसलिए पानी साफ नहीं है। ये नदी जाके मिल जाएगी पिंडर नदी में। पिंडर नदी अपने नारायणगढ़ से बहती हुई, और इसका जो उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर,
और पिंडारी ग्लेशियर है अपना बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हो रही है गर्मी और जब तक ये लोग आते हैं तब तक एक एक चिल कोल्ड ड्रिंक हो जाए। चिल सुन के बियर की याद तो नहीं आई? नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। गर्मी का टाइम है, एक दिन भी अगर बादल साफ तो धूप हाई, नीचे पिंडर नदी।